प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत सिंगाजी समाधि महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद कहा, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। खंडवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम को सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे, यहां पूजा पाठ और दर्शन किए। तय कार्यक्रम से 4 घंटे देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और प्रदेश के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने खंडवा के समग्र विकास का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री मंडल के विभागों के बंटवारे के बारे में कहा कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की सूची भोपाल में दे दी है। सभी मंत्रियों को विभागों के बंटवारे कर दिए हैं। उम्मीद है कि ये सभी प्रदेश के विकास में डट कर काम करेंगे। हाँ, बस मेरा सौभाग्य आज मैं ओंकारेश्वर और खास करके खंडवा जिले के आज संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर आया हूँ। और नर्मदा जी के किनारे का ये बड़ा अद्वितीय स्थान है। परमात्मा की कृपा से, साधु संतों के भरोसे से हमारे यहाँ आध्यात्मिक चेतना का सदैव प्रवाह बना रहता है। मैं अपने नए सरकार के, नए मंत्रिमंडल के, नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। 2 उप मुख्यमंत्री पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 साल बहुत डट के काम करेंगे और प्रदेश को नई